दोस्तों, सीसी यूनिवर्सिटी ने यूजी एनईपी जून 2024 के इवन सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म जो कि बीए बीएससी बीकॉम के उसका नोटिस जारी कर दिया था 1 मार्च को, जिसमें एग्जाम फॉर्म आपके 7 मार्च से फिल हो रहे थे और 26 मार्च लास्ट डेट रखी गई थी एग्जाम फॉर्म को फिल करने की। साथ ही कॉलेज में आपको इस फॉर्म को 28 मार्च तक सबमिट करा देना है। साथ ही देखें, यहाँ पे नोट दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जो स्टूडेंट यहाँ पे 6 सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिल करेगा वो 2nd सेमेस्टर के बैक एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर सकता, क्योंकि जो 6 सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर के बैक एग्जाम है वो एक साथ ही यहाँ पे होने वाले हैं कि समय में, इसलिए जो 6 सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे वो अपने 2nd सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कीजिएगा बैक का, यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ ही 4th पॉइंट मेंशन किया गया है, अगर जो महाविद्यालय द्वारा फिक्स की जाती है जो माइनर सब्जेक्ट और कोर्सल सब्जेक्ट सर्कुलर सब्जेक्ट है स्टूडेंट द्वारा गलत भरे जाते हैं, तो जो स्टूडेंट अपना फॉर्म सबमिट कराएगा कॉलेज में तो कॉलेज उसको सत्यापित करके सही करके सब्जेक्ट को आगे फॉरवर्ड करेगी। तो ऐसे स्टूडेंट जिसका को सर्कुलर सब्जेक्ट या फिर माइनर सब्जेक्ट गलत फिल हो जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट को विश्वविद्यालय जाने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, कॉलेज ही उसको सही करके आगे फॉरवर्ड करेगा। साथ ही मेंशन किया गया है जो आपके एग्जाम होने वाले हैं इवन सेमेस्टर के वो 10 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। साथ ही 7th 8th और 9th पॉइंट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन मेंशन किया गया है जो 6th सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट अपना फॉर्म फिल करेगा वो अपना एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट को चयन करेगा। साथ ही जो 5th सेमेस्टर में जिसने स्टूडेंट ने अपना रॉन्ग माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया था वो 6th सेमेस्टर में अपना सही माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। 9th पॉइंट में मेंशन किया गया है जो 2nd 4th और 6th सेमेस्टर के यहाँ पे मेन एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे स्टूडेंट, उसमें स्किल डेवलपमेंट के विषय कोड के दोनों कोडों को चयन करना है, यानी अगर आप स्किल डेवलपमेंट का कोर्स का यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो दोनों सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अब मैं बैक आता हूँ सीसी यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाने के बाद देखिए आपको टॉप पे एक पॉइंट मिल जाएगा जो कि है एनईपी 2020। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हम नेक्स्ट टैब पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए एनईपी 2020 एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे इंग्लिश और हिंदी में। साथ में ऑप्शन मिलता है यूजी एनईपी अपडेटेड सब्जेक्ट कोड बुक, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ से आप सब्जेक्ट कोड बुक के बारे में जान सकते हैं, जिसमें देखिए आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 सेमेस्टर वाइज आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप ईयर 1 ईयर 2 आप यहाँ पे इवन सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको देखिए 3 तो मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं और एक आपको माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, साथ में 2 माइनर सब्जेक्ट में एक वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स में से एक सेलेक्ट करना है, कि साथ में एक को सर्कुलर सब्जेक्ट यहाँ पे क्वालिफाइंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। साथ में जो क्रेडिट बनेगा आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का 46 बनने वाला है। साथ ही अगर आप थर्ड ईयर में हैं और 6th सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिल करें तो 2 मेजर सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने होते हैं और एक को सर्कुलर सब्जेक्ट का सेलेक्ट करना होगा आपको, साथ में एक आपको जो आपका रिसर्च सब्जेक्ट रहेगा वो सेलेक्ट करना होता है। टोटल क्रेडिट आपका बनने वाला है 40। साथ में स्क्रॉल करते तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में सेलेक्ट करने हैं सेमेस्टर वाइज, वो आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको एग्जाम फॉर्म को फिल करना है। तो इसके लिए देखिए आपको जाना है सीसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट सेक्शन का ऑप्शन, जहाँ पे आपको एग्जामिनेशन का ऑप्शन मिल जाएगा और फिर हमें इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे एग्जाम फॉर्म और एडमिट कार्ड के पेज पे। यहाँ पे देखिए आप और सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म फिल किए थे आपने, वही यहाँ पे पोर्टल आपका मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पे देखिए अभी कोई इवन सेमेस्टर के लिए यहाँ पे कोई लिंक जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप और सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 के ऑप्शन पे आप अप्लाई नाउ ऑप्शन क्लिक करते हैं और आप अपना इवन सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी लिंक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हो सकता है जल्द ही 1-2 दिन में आपको यहाँ पे लिंक अवेलेबल मिल जाए जिसपे आपको अप्लाई नाउ ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे हम अप्लाई नाउ ऑप्शन क्लिक करेंगे हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म। तो यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, स्टूडेंट का रोल नंबर फिल कर लेना है, आधार नंबर फिल करना है या फिर जो एग्जाम फॉर्म नंबर है आपका लास्ट सेमेस्टर का वो फिल करना है और फिर राइट कैप्चा फिल करना है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि रहेगा आपका स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म के डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है एग्जाम कैटेगरी का, जिसके अंदर देखिए आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहले ऑप्शन मिलता है यूजी पीजी और सेमेस्टर एग्जाम, बीएड का फॉर्म फिल कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन मिलता है देखिए आपको यहाँ पे यूजी पीजी इवन सेमेस्टर मेन एग्जाम। साथ ही अगर आप अपना बैक एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर एक्सटूडेंट का एग्जाम फॉर्म फिल करना है तो सबसे लास्ट ऑप्शन मिल जाएंगे आपको दोनों, बैक एग्जाम के लिए और अपने यहाँ पे एक्सटूडेंट के एग्जाम फॉर्म के लिए। तो आपको जिस भी कैटेगरी का आपको फॉर्म फिल करना है, मेन एग्जाम फिल करने हैं या फिर बैक एग्जाम फिल करने हैं फिर एक्सटूडेंट है तो कौन सा फॉर्म फिल करना है वो ऑप्शन आपके पे सिलेक्ट कर लेना। तो मुझे यहाँ पे मेन एग्जाम फॉर्म फिल करने हैं तो मैं यहाँ पे यूजी पीजी इवन सेमेस्टर मेन एग्जाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपकी डिटेल फिल रहेगी सेकंड स्टेप में, जो भी आपने डिटेल फिल की थी, प्रोग्राम एडमिशन ईयर सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको सेलेक्ट करना 2023 का ऑप्शन।
और अगर फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सिलेक्शन 2022, सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं सिलेक्शन 2021। तो यहाँ पे मैं फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ अपने यहाँ पे एडमिशन ईयर 2022। इसके बाद देखिए आपको पूरा प्रोग्राम नेम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो फॉर्म निकले हैं अभी हमारी यूजी एनईपी के फॉर्म निकले, इसमें आपको बीए बीएससी और बीकॉम के एनईपी के एग्जाम फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टूडेंट का, जो कि है हमारा बीए एनईपी। आप अपना प्रोग्राम नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका प्रोग्राम नेम है बीए बीएससी या बीकॉम के अंदर। इसके बाद आपको ईयर सेमेस्टर टर्म के ऑप्शन पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेमेस्टर 4। तो अगर आप सेमेस्टर 2 के लिए फिल कर रहे हैं, सेमेस्टर 6 के लिए फिल कर रहे हैं, वो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सेमेस्टर सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही स्टूडेंट की डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी, जिसमें देखिए कॉलेज का नेम फिल रहेगा पहले से ही हमारा यहाँ पे, एडमिशन ईयर सेलेक्ट रहेगा पहले से ही, जेंडर सेलेक्ट रहेगा हमारा पहले से ही, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल रहेगी पहले से। अगर डेट ऑफ बर्थ फिल नहीं है तो फिल कर लीजिएगा। स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम हिंदी में फिल रहेंगे पहले से ही। नेशनलिटी आपकी पहले सेलेक्ट रहेगी, अगर आपको कुछ यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट नहीं है तो आप वो फिल कर लीजिएगा फिर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर पहले से ही फिल है, अगर आपको अपना ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। साथ में रीजन आपको पहले सेलेक्ट रहेगा, कैटेगरी आपकी सेलेक्ट रहेगी पहले से ही, सब कैटेगरी भी आपकी पहले से सेलेक्ट रहेगी। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कर सकते हैं। साथ में देखिए आपका यहाँ पे आधार नंबर पहले से ही फिल रहेगा, अगर फिल नहीं है तो फिल कर लीजिएगा। NAID आपकी यहाँ पे स्किप कर लीजिएगा। मीडियम आपका सेलेक्ट रहेगा, अगर आपको मीडियम चेंज करना है या मीडियम आपको सही करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। एड्रेस फिल हो जाने के बाद देखिए फोटो सिग्नेचर आपके पहले से अपलोड रहेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे स्क्रॉल कर लेना है और फिर हमें ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे प्रीवियस बोर्ड और यूनिवर्सिटी, जो कि पहले से सेलेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी 12th की बोर्ड की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर आप यूपी बोर्ड यूपी सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदर बोर्ड है तो अदर सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे पहले से आपका बोर्ड सेलेक्ट रहेगा, उसको एज इट इज आपको रहने देना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है आपका जो सेमेस्टर का आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद प्रोग्राम नेम के अंदर आपको अपना प्रोग्राम नेम सेलेक्ट कर लेना है। आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे एनईपीपी प्रोग्राम। इसके बाद देखिए एनरोलमेंट नंबर और स्टूडेंट का नंबर, रोल नंबर यहाँ पे पहले से फिल रहेंगे। इसके बाद आपको लास्ट सेमेस्टर की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देती है। तो यहाँ पे हम सेमेस्टर 4 के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, सेमेस्टर 3 की यहाँ पे डिटेल देनी होती है। तो देखिए आपका सेमेस्टर 3 या कोई भी आपका लास्ट सेमेस्टर रिजल्ट आ चुका है तो आप यहाँ पे रिजल्ट का मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑप्टेन फिल कर सकते हैं। अदरवाइज इस ऑप्शन को आप स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपको 1-1 फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, राइट कैप्चा फिल करना है और नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपको स्टूडेंट की डिटेल शो कर जाएगी। इसके बाद देखिए आपको सेलेक्ट करने होते हैं स्टेप में सब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे प्रॉपर सब्जेक्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। तो सेमेस्टर 4th का मैं यहाँ पे एग्जाम फॉर्म फिल कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमें 3 मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं और 2 माइनर सब्जेक्ट और एक हमारा स्किल डेवलपमेंट का यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 2 मेन सब्जेक्ट ही शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आप इस ऑप्शन के आगे नहीं जाइएगा। तो यहाँ पे अभी वेबसाइट के अंदर अपडेट चल रहा है, क्योंकि ये देखिए अभी लिंक भी हमें अपडेट नहीं हुआ था, जो कि इवन सेमेस्टर के लिए है। सिर्फ मैंने आपको एक तरीके से बताया कि कैसे आप एग्जाम फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फीस है वो भी हमारी वेरी कर रही है, कभी 1050 शो करती है, कभी 1200 शो कर रही है, कभी 800 शो कर रही है। तो अभी आप पेमेंट नहीं कीजिएगा या फिर अपने एग्जाम फॉर्म का भी फिल मत कीजिएगा। सिर्फ मैं बता रहा हूँ एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं, क्योंकि एग्जाम फॉर्म की जो डेट थी वो 7 मार्च से हमारे एग्जाम फॉर्म फिल होने होने थे, लेकिन आज 9 मार्च हो चुकी है। 9 मार्च तक भी हमारी प्रॉपर वेबसाइट यहाँ पे अपडेट नहीं हुई है एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहाँ पे आपको जब प्रॉपर आपके सब्जेक्ट शो कर जाए उसके बाद ही आप यहाँ पे अपना एग्जाम फॉर्म फिल कीजिएगा, जिसमें देखिए आपको अपने जो सेमेस्टर है आपका सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6, उसकी जानकारी मैंने पहले ही आपको वीडियो में दे दी थी कि कितने आपके सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, आपका क्रेडिट कितना बनने वाला है और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं। जिसमें देखिए आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको आपकी फीस शो करेगी, जो फीस आपको शो करेगी वही आपको पे करनी है। इसके बाद आपको सेव के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते आपकी डिटेल सेव हो जाएगी और फिर आपको मेक पेमेंट के उसमें क्लिक करके पेमेंट पेज बनाना है, जहाँ पे आप पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। साथ में आप UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद शो कर जाएगा आपको पेमेंट इज सक्सेस और क्लिक हियर टू डाउनलोड एग्जाम फॉर्म। जैसे हम क्लिक करके ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपको आपका एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आपको शो हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है और उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके कॉलेज में जाके सबमिट करा देना है, जो लास्ट डेट है 28 मार्च तक, और अपनी एच ओ स्लिप है वो रिसीव कर लेनी है जो आप अपना एग्जाम फॉर्म वहाँ पे सबमिट करेंगे। बात करते हैं अगर आप एग्जाम फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर पाते और क्लिक हियर टू रिटर्न मेन पेज क्लिक करके आप मेन पेज पर जाते हैं,
तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है प्रिंट एग्जामिनेशन का, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही जो हमारा एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट है वो शो हो जाएगा, इसको आपको प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में सबमिट करा देना है। तो इस तरीके से आप इवन सेमेस्टर के यूजी एनईपी के बीए बीएससी बीकॉम के एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं सेम तरीके से। थैंक यू।